हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम से ना मैं हॉल्स नहीं पोस्ट कर रही थी, डेली व्लॉग्स तो मैं कर रही हूँ फिर भी दोबारा से रेगुलरली, बट व्लॉग्स नहीं कर रही थी। सो इन दिस व्लॉग मैं आपको बहुत अफोर्डेबल हील्स दिखाने वाली हूँ फ्रॉम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर। कुछ लोग बोलते हैं उसके रिव्यूज बेकार देते हैं, कुछ अच्छे देते हैं प्राइस के मामले में, क्वालिटी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, डिलीवरी। सो आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन डिटेल। तो ये रहे हील्स, चार हील्स हैं अभी मेरे पास, सब दिखाती हूँ आपको। सो यार मैंने ना ऐसे प्रेजेंट कर दिया अपनी सारी हील्स, मारे आगे भी आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो मतलब मुझे ना पहले था मेरे साथ, मैं सिर्फ ब्लैक लेती थी, वाइट लेती थी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट अभी मैंने बहुत ज़्यादा कलर्स एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, पहन के दिखाती हूँ। ओके, तो यार ये वाली हील्स मुझे बहुत पसंद आई थी ज़ेब्रा प्रिंट में, मतलब ब्लैक एंड वाइट ना, सेम मेरे पास इस तरीके का एक टॉप भी है H&M का और बैकलेस है। अब मैंने सोचा था यार दोनों को टीम अप करके पहनूंगी, बट ये जो हील्स है ना इसमें कुछ देर इज सम डिस्कम्फर्ट कि मतलब मेरा शू साइज इज 37। अभी पीछे से देखो तो पूरा ऐसा लग रहा है साइज ठीक है, बट इसका जो ऊपर ये जो फ्लैप होता है, व्हाट डू यू कॉल इट, इसका कोई ग्रिप ही नहीं है। तो मैं वॉक करके दिखाती हूँ, इफ आई वॉक ना तो मुझे लग रहा है कि मुझे ग्रिप बनानी पड़ रही है टू होल्ड माई सैंडल। तो इसकी ग्रिप नहीं है अच्छी, इट्स नॉट होल्डिंग माई फीट टाइट। तो ये मुझे नहीं लगता कि मैं खरीदने वाली हूँ। ये वैसे इसका प्राइस था अराउंड 700 rupees, 699 का था शायद, और उधर ना दो चीज़ें ले लो तो 1000 की, यू नो बाय 2499, उस वाले सेक्शन में से लिया था मैंने ये, बट आई विल रिटर्न इट। ये मैंने लिया था वैसे पिंक सैंडल्स के साथ, जो मैं इसके बाद आपको दिखाने वाली हूँ। तो यार ये हॉट पिंक कलर की भी हील्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और पीछे से ब्लॉक हील्स हैं तो कम्फर्टेबल होनी चाहिए, बट इसका भी ये देखो ये पीछे से जो है ना, देयर इज दिस गैप हियर, और कुछ पता नहीं क्या, पहले भी मैंने दो हील्स मंगवाई थी वो कंफर्टेबल थी स्ट्रीट स्टाइल स्टोर की, बट इनमें कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रही, तो दोनों की दोनों ही मैं रिटर्न करा दूंगी। ये अगेन 700 की थी और मैंने दो मंगवाई, इसके 1000 मतलब 500 ईच का हो गया था। लग रही है प्रिटी, आई थिंक ड्रेसेस वगैरह के साथ पहनूंगी तो बहुत सुंदर लगेगी, बट कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है तो मैं नहीं पहन सकती, ये बिग नो फॉर मी। यार ये वाली जो है ना, ये मैंने कुछ टाइम पहले ऑर्डर की थी, इसको मैंने पहना भी है, देखने में लगता है कि यार वेरी अनकम्फर्टेबल, मतलब यू नो मॉम वाज सेइंग कि यार बहुत अनकम्फर्टेबल टाइप की हील्स लग रही है, क्या है ये। देख ये भी लगता है कि यार यू नो टाइप वाली हील्स हैं तो बहुत अनकम्फर्टेबल होंगी, बहुत झंझट होगा पहनने में, बट यार मैंने पहनी है इसको, आई वोर दिस फॉर आवर्स और मुझे बहुत कम्फर्टेबल लगी है हील्स। पहन के दिखाती हूँ लुक कैसी आ रही है, मतलब कितनी क्लासी और कितनी शीक लग रही है मेरी हील्स, सुपर सुपर क्लासी। ये मैं पार्टीज में पहन के गई हूँ, कुछ लॉन्चेस में मैंने पहना था, बहुत कंफर्टेबल। इसका जो टाई है ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, पता नहीं पता नहीं कितना ज़्यादा बड़ा था, तो वो मैंने कट किया था ज़रूर। तो बाकी यस वेरी कंफर्टेबल, एंड वेरी कंफर्टेबल मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यार इनके सामने हील्स है तो थोड़ा सा तो होता ही है, बट ओवरऑल वेरी नाइस हील्स। यार कितने की थी ये, आई थिंक 700 की थी। सारी जो डिटेल्स है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डालूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, कन्फर्म कर सकते हो, प्लीज इग्नोर। तो बिकॉज मैं अभी अपने ऑर्डर्स में जाके वापस कन्फर्म करूंगी कितने का था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना एक बार फिर से। बट फिट वाइज, कंफर्ट वाइज, क्वालिटी वाइज भी इनफैक्ट अच्छी है, मैंने इसको 3-4 बार पहना भी है, वेरी नाइस। लास्ट हील्स जो मेरे पास है अभी फ्रॉम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर, लाइन अप कलर में है, वेरी प्रिटी लैवेंडर कलर, एंड ये भी मैंने थोड़े टाइम पहले ऑर्डर की थी, दो दिन वाली पहनी है, वो बहुत कम्फर्टेबल है वाइज, यू हैव टू ट्राई दिस वन। और ये जो पुरानी पुरानी जो न्यूड से थी ना, ये देखो थोड़ा पॉइंटेड वाली है, तो ये लैवेंडर ब्लॉक हील्स है, तो उससे और ज़्यादा थोड़ी यू नो मच मोर कम्फर्टेबल। प्राइस अगेन आई थिंक 700-800 का पड़ा था, बट यू हैव टू चेक, बहुत पता नहीं आई थिंक 1100-1200 का भी कुछ, आई थिंक 700-800 का था, यू हैव टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड यस अब मैं हॉल्स थोड़ा जल्दी जल्दी
लाऊंगी बिकॉज घर थोड़ा रेडी होने वाले, मैंने शीट्स वगैरह हटा दी ऑल थैंक्स टू वाली बिकॉज मैं पहले हटा नहीं रही थी, मैंने कहा यार इसको कुछ वापस से लगाना है और ये सब एफर्ट करेगा, बट जल्दी जल्दी मैं वॉइस लेके आऊँगी। डेली ब्लॉग्स को मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, रेगुलर हो ही गई हूँ। सो या दिस वॉज माई हील्स कलेक्शन फ्रॉम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।